नाउ वी आर हेयर फॉर लंच. आपका स्पेशलिस्ट खाना है बैम्बू चिकन बिरयानी. खाना खाते ही निकल गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जो कि है कटकी वाटरफॉल. एंड उसका रोड व्यू वाज सो सो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. मतलब इतना क्यूट क्यूट व्यू था, इतना अच्छा अच्छा व्यू था, मतलब मज़ा ही आ गया. बट आपको एक चीज़ प्रेफर करूँगी, जब आप वहाँ पर जा रहे होगे ना तो उससे जस्ट पहले लंच डिनर जो भी कुछ भी मत खाना. नहीं मतलब स्नैक्स तो खा ही सकते हो बट कुछ हैवी मत खाना, वरना जो टर्निंग्स है ना वो मतलब बहुत ही स्ट्रेट टर्निंग है, बहुत ही खतरनाक टर्निंग है बट एक्साइटिंग भी है. तो वो टर्निंग्स में आपको थोड़ा सा वॉमिट फील हो सकता है तो इसलिए. एंड ऑन द वे टू कटकी वाटरफॉल बीच में हमें मिलता है कॉफ़ी गार्डन. हम कॉफ़ी गार्डन से भी टहलते हुए गए. कॉफ़ी गार्डन में ज़्यादा कुछ है नहीं इसलिए बस कॉफ़ी ज़्यादा देखने के लिए टहल ही गए. और ये ना ट्राइबल हाउसेज है जो कि अब सिविलाइज हो चुके हैं, ड्राइवर अंकल ने बताया, वरना ये मर्द के बने होते हैं. ये अब हम पहुँच गए हैं यहाँ पर कॉफ़ी गार्डन में. जब वहाँ पर पहुँचे ना तो हमें ना थोड़ा टाइम लग गया हमें कॉफ़ी का प्लांट आइडेंटिफाई करने के लिए, बिकॉज मैंने कभी देखा नहीं था. बट पता कॉफ़ी ना पर्सनली मेरी बहुत फेवरेट ड्रिंक है, तो मुझे उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी. उस जगह की स्मेल मतलब मज़ा ही आ गया उधर तो. और ये जो आप रेड रेड देख रहे हो ना, ये कॉफ़ी बीन्स, मतलब ये बड़े, मतलब थोड़ा सा और कुछ महीने जाने के बाद ब्राउन हो जाती हैं. एंड ये जो बर्ड्स हैं ये रेड होंगे आगे चल के तो कॉफ़ी बनेंगे. एंड ये फूल बर्ड्स जैसे दिख रहे हैं, फ्लावर बर्ड्स जैसे, बट नहीं ये कॉफ़ी बर्ड्स हैं. थोड़ा थोड़ा रेड भी था उधर. और हम ना कॉफ़ी प्लांट की खोज बहुत आगे तक पहुँच गए थे, बहुत आगे चले गए थे. देन हमें पता चला ये सभी कॉफ़ी हैं, मतलब वो बर्ड्स हमें पता नहीं चल रहा था ना इसलिए. और वहाँ पर ये जो है ये एक मुझे कॉफ़ी का मिल गया और मैंने कन्फर्म करने के लिए उसे खा भी लिया. और वो कॉफ़ी जैसा लग रहा था, तो फिर हम कंफर्म हो गए कि ये सारे प्लांट्स कॉफ़ी के हैं. या इट वाज टेस्टी, इट टेस्ट लाइक कॉफ़ी. कॉफ़ी बीन्स तो कॉफ़ी बीन्स ऐसे ही होता तो ये सब वो पूरा चारों तरफ कॉफ़ी है, ये नीचे तक बहुत एरिया था. ये था कॉफ़ी गार्डन. मम्मी कैमरा पकड़ी हुई है. तो ये थे कॉफ़ी गार्डन. अब हम जाने वाले हैं, पता नहीं कहाँ जाने वाले हैं, पर आपको मैं नेक्स्ट डेस्टिनी में मिलता हूँ. ये कितना प्रिटी है इसको. मुँह धो के देखिए बहुत अच्छा लगता है. पी भी सकते हैं. हाँ पीने का पानी है, प्योर मिनरल है. हाँ भैया पूछो तो वही बोला, प्योर मिनरल है. हाँ ये प्योर मिनरल पानी है बोल रहे हैं. ये जो पानी है ना ये डायरेक्ट एक वाटरफॉल से आता है, एकदम है इतना ठंडा और इतना रिलैक्सिंग, मज़ा ही आ गया. तो अच्छा लगा यहाँ का पानी मुझे, मस्त मस्त एकदम. जो भी कार में थोड़ा बहुत थकान हो गया था एकदम दूर हो गया. हाय
सुकून सुकून मिल गया, जन्नत मिल गई, जन्नत जन्नत। अंकल हमें छोड़ के चले गए। ए साइड हो रे बस आ रही, ये बाबा रे क्या तेरी बोला शूज में क्यों डाल दी, नहीं यार ठोक रही हूं मैं, ठोक रही हो गया मुझे धोने दो। कैसा पानी पीते है बताती हूं। सो इसी के बाद हम लोग चले गए कालीकंदा व्यू पॉइंट पे, और इसका हाइट बहुत ऊंचा है 4900 फीट, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और इधर का व्यू ना बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल था, मतलब मस्त मस्त व्यू था इधर का। इधर के बाद जो गांव आया वहाँ पर मतलब पूरा ट्राइबल लिविंग एकदम मतलब निखर के आ रहा था। उनका हाउसेस मर्ड से बना हुआ, मतलब मर्ड स्ट्रॉ से बना हुआ कच्चा हाउसेस, सब उनका ड्रेस वगैरह सब कुछ एकदम बढ़िया बढ़िया लग रहा था उधर आके। ये कैसे होगा, हम चल चल के चला जाता, चलेगा हो जाएगा। और वो दूर से दिख रहा है झरना, कैमरा में नहीं दिख रहा है, संबलपुरी जा रही है। रास्ता बहुत खराब है भाई, डरावना संबलपुरी ना। तो अभी उनको आ चुके हैं एंड वी आर सो 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 एक्साइटेड। पर बहुत धूप है यहाँ पर, ऊपर थोड़ा जंगल जंगल टाइप है पर नीचे बहुत धूप है, इसीलिए हम लोग जल्दी जाएंगे। चलो 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 लेट्स गो। टाइम मुझे ट्राई करना है वाला, अभी चलो पहले आगे ट्राई करेंगे चिकन कबाब। लेट्स गो, वी आर रेडी। मामा वाटरफॉल जाना है पर मेहनत बहुत। दादा बहुत सीढ़ी है। टिच्चू टिच्चू कुंचम कुंचम सॉरी कुंचम कुंचम तेलुगु अगस्तम वस्तुंदे। चल दफाओ, रास्ता मस्त है। रुक, फोकस ही नहीं जा रहा, थक गए। सीढ़ी से चढ़ोगे ज्यादा थकोगे। हाँ तो इधर हम प्लेन से जाएं, प्लेन मतलब प्लेन, बहुत ही अजीब आइडिया नहीं है। मम्मी यूजिंग हर ऑल हर आई क्यू, इतना ही है हर होगा, इतना आई क्यू इतने में नहीं होता, ठीक है। पानी बोतल दिखा के इतना आई क्यू। चलो मामा
दिखा। लेट्स गो, मैं तो जाती कूद जाऊंगी भाई, मेरे को नहीं देखना और कुछ। चल रहा गुंडी, इसका मतलब होता है बहुत अच्छा। और ये पहुंच गया, कचड़ा है। इंडिया है। आराम से आराम से हम इधर तक आ चुके हैं एंड जब ऊपर जाएंगे वाह क्या पानी आ रहा है। चलो 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 साबुन लगाओ जरा, शैम्पू लगाओ जरा। उधर खड़े हो गए तैर के जाओ तैर के। वो उधर जा इधर ही इस कोने से जाओ। मैं मोबाइल सहित चली जाऊं। खड़े रहो। हेड ऑफ ठंडा ठंडा पानी। जाओ जाओ हाँ हिंदी फोटो लूँ। ओके ओके थैंक यू। बाबा कटी देखा सी उड़िया भुस्सा उड़िया भुस्सा उड़िया 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 बुझे ना बुझे तेलुगु उड़िया बुझे नहीं भी बोलूं उड़िया भी बोलूं हर कोट के ना ले रे खाओ एक एक। नहीं मैं नहीं खाऊंगी। खा के देख। नहीं मैं नहीं खाऊंगी। ठंड लग रही है अच्छा लगेगा। नहीं खाऊंगी। टेस्ट कर ना। टेस्ट। खाओ। गरम। तो अभी हम लोगों ने ड्रेस चेंज कर लिया है और अभी हम देखो मैं आउटफिट पे लिखा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं क्योंकि ना ये बहुत कंफर्टेबल लगता है। हाँ तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस अरकू। वापस क्या अरकू जा रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं अरकू एंड उसके बाद कितना टाइम लगेगा। एक घंटा अरकू में कहीं घूमना है वहीं पर।
अर्कू जाने से पहले मतलब रास्ते में दो तीन जगह आएंगे, वहाँ पर घूमेंगे, फिर अर्कू जाएंगे, होटल लेंगे, वो सब आपको दिखाऊंगी ना, बोल कर रही हूँ। चलो आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन। ट्राइबल हाउस में है, बहुत ही पीसफुल है ये जगह। थैंक यू अम्मा, बाय बाय, टाटा क्यूटी, टाटा टाटा। तो मुर्गियों को देख रहे हो कितने बड़े बड़े। लेट्स गो 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 गो। इस जगह पे मतलब फिल्म की शूटिंग्स होती हैं, ये मतलब फिल्म वाले भाड़े में रहते हैं, बहुत मतलब खेत एरिया दिखाना होता है या कोई शूट करना होता है तो यूज़ करते हैं इस एरिया को। और यहाँ पर अभी तो हुआ नहीं है, पर वो जो मिट्टी मिट्टी वाला एरिया है वहाँ पर वो वाइट फूल आता है, येलो, अच्छा येलो फूल आता है। और यहाँ पे तेलुगु मूवी जो दृश्यम है, मजनू है और प्रभास की फेमस मूवी है डार्लिंग करके, उसका शूटिंग हुआ ये एरिया में। मैंने तेलुगु मूवी देखी नहीं है, सॉरी टू से, बट नहीं देखा आज तक। सो हम पहुंच चुके हैं अर्कू, आगे बाहर चलता है तो अच्छी लाइटिंग। हम पहुंच चुके हैं अर्कू वैले एंड या हम लोग होटल भी आ चुका है और अभी अंदर जाएंगे, सामान पटकेंगे, कुछ खाएंगे कॉज बहुत भूख लग रही है, तो पहले कुछ खाते हैं। अरे लगेज नहीं,